हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम, गुड मॉर्निंग। चाय वाली क्या? यहाँ पर साई देखिए आंखों में, सुबह की गुड मॉर्निंग चाय के साथ। और भोग में देने जा रही हूँ, मतलब लगाने जा रही हूँ। और यहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे। उधर मैंने आरती चला दी है और कोको देखो बाहर बैठ कर पता नहीं क्या सोच रही है। खोल भाई, जान जान लगा, जान तो लगा भाई। कोको अनबॉक्सिंग। अरे भाई वो आ गया, वहां तो देखो। अरे कैसे फ्रेंड्स, देखिए गिफ्ट में ये वाला कप। चलिए इस वाले गिफ्ट को खोलते हैं। कोको भी खोले मेरे साथ गिफ्ट को। कोको भी लगी हुई है बिल्कुल जोर लगा कर। तो चलिए एंट्री हो गई है इसे खोलने की फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऐसे खोलते हैं इसे। क्या है इसमें? वाओ। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें गिफ्ट में लिख रहे हैं ड्राई फूड। जिस तरह मैंने पैक करे ना डिब्बे में, इस तरह इस बोतल में। और ये कितनी प्यारी लगती है ये शीशियाँ। जो ये कोको के दिवाली गिफ्ट में के कपड़े हैं। दिवाली पर जब सबके कपड़े आते हैं ना, ऐसे कोको के भी आ गए हैं। और कोको सो रही है। सो जा कोको, कोको सो जा, सो जा, सो जा। आँख मिच रहे, ढक तो चुन्नी। स्वाद ऐसी है, वो इधर सी है। और भाई साहब क्या बात है, क्योंकि कल दिवाली ही, तो दिवाली के गिफ्ट में कपड़े जैसे तुमको आए हैं, ऐसी कोको के भी आ गए। सही है। कौन बैठा है? घूंघट में कौन बैठा है कोको? तो यहाँ पर विवेक कराए अपनी वीडियो की शूटिंग। और देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन है दिवाली की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह सुबह देखिए विवेक गया दूध लेने के लिए, तो कोको कैस कर रही है। ओ, ओ, ओ। एक मन नहीं लग रहा। और ठंडी ठंडी दूध की थैली, यार 1.5 किलो दूध है। और आज है गोवर्धन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर चाय बन गई है और पहले चाय पियेंगे। और मैंने आटा मांड कर रख दिया है। और जो साई लग रही है ना, देख रहे होंगे अभी लग रही है श्योरिटी की शाही। और आज है गोवर्धन हमारे यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन का, 1 दिन का गैप है अब के गोवर्धन में। पहली बार जिंदगी में हुआ है कि दिवाली के अगले दिन छोड़ कर अगले दिन गोवर्धन रखा जा रहा। तो चलिए कोई नहीं, तिथि का हिसाब है। तो तिथि के हिसाब से हमने पंडित जी से पूछा था, तो वो आज का कह रहे कि कल नहीं रखना, आज रखना। तो हम आज रखेंगे गोवर्धन। और यहाँ पर बना लिए चाय बढ़िया सी। तो चाय पियेंगे फ्रेंड्स, मैं, विवेक और तनीषा। फ्रेंड्स यहाँ पर बेसन और नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है, गर्म मसाला डाल दिया है। मसाला है ये बेसन का। और इधर है बैंगन कटे हुए, धो लिए हैं और अच्छे से काट लिए। और देखिए इस तरह 4 भागों में काटे हैं। तो चलिए इन्हें भर देते हैं। और आज बनाएंगे मसाले की सब्जी, यानी कि बैंगन के भरवा मसाले वाली सब्जी। और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ थोड़ा अलग सा, क्योंकि रोज आलू बैंगन गोभी गाजर, तो गाजर तो हमारे बनी नहीं है, लेकिन ये वाली सब्जी बनाएंगे आज बैंगन की। यहाँ पर बैंगन फ्राई कर देंगे इस तरह।
यहाँ पर बैंगन फ्राई हो रहे हैं और बिल्कुल ये समझो कि भुने हुए बैंगन होते हैं ना, इस पर है। और आप जो है बेसन के ऊपर भी कोटिंग चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बैंगन फ्राई कर दिए हैं, इसमें हल्का सा पानी होता है ना, इस वजह से चटर चटर आवाज आ रही है। यहाँ पर ऑयल तो हमारा गर्म है और यहाँ पर अब जो है बैंगन को इस तरह, और देखिए दोनों तरह से दिखा रही हूँ मैं, और तनी सा फ्राई कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे हमारे पास स्टैंड भी है लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ बीच बीच में। तो देखिए इसके बैंगन के जो पकौड़े ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये आप इन्हें कट कर कर चाय के साथ भी खा सकते हैं। और हम बनाएंगे इस तरह सब्जी, अंदर से भी कोट कर दिया है, बाहर से भी। ज़्यादा लंबा है, बैंगन बढ़िया लग रहे हैं, कलर कितना प्यारा है इन बैंगनों का, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने सोचा चलो आज इन मतलब लेके इनकी सब्जी बनाई जाएगी, तरोताज़ा लग रहे हैं, देखते हैं वाह है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब देखिए इनकी पकौड़ी कितनी बढ़िया लगेगी अगर इनके पकौड़े बना के खाए जा। तो चलिए फ्रेंड्स निकाल लेते हैं बैंगनों को, और ये जो डंडी है ना इनकी, इन्हें तोड़े ना तो देखिए कितनी आसानी से निकाल पा रही है और अच्छी भी लगती है ये, वाह। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, रिफाइंड डाल दिया है, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं लेकिन हम रिफाइंड में फ्राई कर रहे थे तो मैंने रिफाइंड डाल दिया। और यहाँ पर बेसन की थाली में ही हमने प्याज काट लिए हैं, एक प्याज बड़ा सा। यहाँ पर प्याज जो है हल्की सी लाल हो गई हैं, उसके बाद डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। तो यहाँ पर अमचूर पाउडर और डाल दिया हल्दी, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, नहीं जरूरत नहीं है, ये बेसन का पानी है जिस बर्तन में हमने बेसन घुलाया था तो उसी में हमने यहाँ पर डाल दिया पानी। तो फ्रेंड्स डाल देंगे ग्रेवी वाली मतलब बनाएंगे मसाले वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेवी का पानी एकदम बिल्कुल तैयार है और पक चुका अच्छे से, तो यहाँ पर बैंगन डाल जा रहे हैं। तो आप भी बना सकते हैं इसी तरह टेस्टी सब्जी कुछ अलग से, जब बैंगन आलू बैंगन आलू गोभी ना अच्छे लगे तो इस तरह फ्राई कर कर भी बना सकते हैं। अब बस इसमें कुछ नहीं, हल्की से पकानी है क्योंकि ग्रेवी तो तैयार है जो पानी हमने पकाया है, और उसके बाद ये बैंगन भी फ्राई हुए हैं तो ये बिल्कुल गल चुके हैं, तो बस हल्के से पकाएंगे और इन्हें ढक देते हैं। और ये लाए हैं हम धनतेरस वाले दिन दो पानी, एक जीजी की है एक मेरी है, और ये स्टील की बिल्कुल ऐसी रहेंगी इसलिए मैं ये ले आई हूँ, क्योंकि जो पहली वाली भी हमारी थोड़ी पुरानी हो गई है तो ये नई लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जी बना दिए, और ये जो फ्रायदाना ना इसमें हमने जब सब्जी रखी है ना तो सफ़ेद तो रहती ही है, यहाँ पर हल्का सा कलर लग गया इसमें हल्दी का। देखिए बिल्कुल बढ़िया ग्रेवी वाली सब्जी, और घर की सब्जी बेहतरीन और टेस्टी लगती है। यहाँ पर हमारे जो है धनिया, हरा हरा धनिया मैं ले आई थी बिल्कुल, और देखिए वाह गार्निश भी हो गई है हमारे बैंगन के भरता की। और अंदर ले चलते हैं, देखिए बाहर भी दिखा देते हैं, देखो आज बनाई है ये वाली सब्जी हमने, लग रही है ना बढ़िया, आज कुछ अलग सी क्योंकि पकवान खाते खाते मन भर गया है। और ये हमारा बैंगन फ्राई बैंगन बेसन वाला, तो इसकी पकौड़ी बना दी है और इसकी सब्जी बना दी है। तो देखिए ये वाला चार्जर है जो मैंने दिखाया था ना वीडियो में, और एक ये वाला ये पावर पे, ये ऐसी जो बग जाए इसमें पावर बैंक, अब ऐसा लग रहा है ये तो पावर बैंक है। और ये की वाला चार्जर इस पे भी लगा के दिखा दे, और ये ऐसा है ये स्टैंड है इसका, और बस इस पे भी लगा के कर सकते हैं ये तुम्हारे से। हाँ ये मैं लाई ना, मैं दिखाऊंगी, ऑर्डर करा मैंने वाला तो चारों पीस दिखाऊंगा बाद में। तो यहाँ पर प्रशांत ने भगवान जी की मूर्ति उठाकर यहाँ जमा दी है, ये देखिए
और छोटे छोटे भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और प्रसाद लगाकर जोत नहा लिया है, और ये जो है ये वाले भगवान जी और लक्ष्मी जी सिलेंगे, गणेश जी और लक्ष्मी जी। तो चलिए अलग रख दिए हैं और पूजा की तैयारी। हमारी थाली प्रशांत की, बैंगन की पकौड़ी, बैंगन का भरता और रोटी गर्म गर्म और चाय और कोको देखिए बैठकर हैं। अभी से यहाँ पर खुजा रही कोको कैसी बैठी है आराम से बाबू। हमने खाने में डिसाइड करा है पेठा और घिया का रायता, तो पेठे की सब्जी बनेगी, पूरी बनेगी और घिया का रायता बनेगा। तो मैंने सामान ले लिया है, चलिए फ्रेंड्स शाम की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने अपना चौक भी धो दिया है, बाहर से धोकर आ गई हूँ, और यहाँ पर बनेगा गोवर्धन। इधर तनिषा डिजाइन देख रही है क्या बनाए हम। चलिए फ्रेंड्स शाम की तैयारी करनी है, वैसे तो अभी 2 बजे है, लेकिन मैं सब्जी काट कर रख देती हूँ, घिया कस कर रख देती हूँ, और क्योंकि फिर ऐसे ही समय हो जाता है, और फिर आटा मांड के रख देती हूँ। तो देखिए हमारा आटा रेडी हो गया, एकदम बढ़िया सा मीठा आटा, तो इसे रख देंगे कटोरी में करके। तो फ्रेंड्स सब्जी चला कर देख लेते हैं कैसी बनती है, और देखिए इसमें तो बढ़िया होगी। और ये चकई, एक तो होता है पेठा जो पका हुआ निकलता है, और एक होती चकई। चलिए कोको कौन है अंदर, अंदर कौन है? जबरोसी जाएगी गैली झोंकरी दिखना रहे बस। बाल्टी में लाई हूँ गोबर, तो चलिए पीछे वाली के से लाई थी गोबर, तो मैंने यहाँ पर इस बाल्टी में रख दिया था। अब चलिए चलते हैं और यहाँ पर रखते हैं गोवर्धन।